वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करने वाले रेडमी 9 स्मार्टफोन के बारे में। तो ऑलरेडी मैंने रेडमी 9 के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आज से 4-5 दिन पहले इसको पब्लिश कर दिया है। और आपको ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जितने भी मैंने उसके अंदर प्राइसिंग फीचर्स वगैरह सारे डिस्कस किया था उस वीडियो के अंदर, तो आज वो जो फाइनली रिलीज हो चुका है 26 अगस्त को ऑफिशियली रिलीज हो चुका है इंडिया में। ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन और ऑफिशियल प्राइसिंग जो है वो बिल्कुल मैच करते हैं जितना भी मैंने डेटा आपको बताया है मेरे उस वीडियो के अंदर। सो आप मान के चलते जो भी मैं आपको वीडियो बताता हूँ तो बहुत ही एक्यूरेट रहते हैं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो बात करते हैं उसी स्मार्टफोन के बारे में। एक बार के लिए मैं उसको सारे के सारे फीचर्स को वापस रिवाइंड करवाता हूँ, वापस दिखा देता हूँ। सो इस डिवाइस के अंदर आपको मिल जाता है एक 6.53 इंच का एक 720p वाला डिस्प्ले जो कि HD+ रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। देन अगर हम बात करें सामने डिस्प्ले के बारे में तो एक डॉट नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है, कोई फुल स्क्रीन वाला डिस्प्ले नहीं है, डॉट नॉच वाला डिस्प्ले है, एक 720p डिस्प्ले है। और बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है। उस वीडियो में डिस्कस किया था कि एक रीब्रांडेड वर्जन रहेगा जो कि ऑफिशियली चाइना में रेडमी 9C के नाम से आया था, तो उसी को यहाँ पर रीब्रांडेड के नाम से यहाँ पर रेडमी 9 की तरफ से लॉन्च किया, रेडमी 9 एज अ नेम लॉन्च किया है रेडमी ने। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स आपको ये डिवाइस देखने मिलता है और ये शाओमी का पहला डिवाइस बन जाता है जो कि आपको MIUI 12 प्री इंस्टॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है बिकॉज बहुत सारे डिवाइसेस के अभी के लिए भी बहुत ही लेट अपडेट्स आ रहे हैं, बहुत ही दिक्कत आ रही है उनको। देन हम बात करें हार्डवेयर के बारे में, तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि इसके अंदर ऑब्वियसली MediaTek का हीलियो G35 रहेगा, तो वही हार्डवेयर इसके अंदर रखा गया है, एक ऑक्टोकोर वाला हार्डवेयर आपको देखने मिल जाएगा जो कि डिसेंट परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। देन स्विच करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में, तो जैसे कि मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि 13+5 और 13+2, और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि रेडमी इसमें 13+5 देगा, लेकिन यहाँ पर मैं हार गया। 13+2 आपको इसमें AI ड्यूल कैमरा आपको देखने मिल जाता है। देन फ्रंट फेसिंग कैमरे के बारे में बात करें तो 5 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको देखने मिल जाता है। और फाइनली यहाँ पर हम बात करें बैटरी के बारे में, तो एक 5000 mAh की आपको मैसिव बैटरी मिल जाती है जो कि अच्छा खासा बैटरी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगी। और फास्ट चार्जिंग के बारे में अभी तक कंपनी ने कुछ बताया नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में जरूर से अपडेट कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। और अगर आपको पसंद आता है स्मार्टफोन तो लिंक अवेलेबल रहेगा, तो आप जाकर परचेस कर सकते हो। सेल आपको अगस्त 31 को मिल जाएगा। सेल के बारे में जो भी अपडेट डाला हो तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन हम बात करते हैं वेरियंट्स को लेकर, तो यह ऑफिशियली 2 वेरियंट के साथ आता है, 4GB 64GB वेरियंट, देन 4GB एंड 128GB। और इसकी प्राइसिंग बहुत ही एग्रेसिव और हम कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि रेडमी इस प्राइसिंग पर इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकता है। तो जिसका 4GB 64GB आपका प्राइसिंग स्टार्ट होता है 8999, जो कि एग्रेसिव है और बहुत ही एक्सेप्टेबल है, आप आराम से इसके लिए परचेस कर सकते हो। देन हम बात करें 4GB 128GB के बारे में, तो वो आपको मिल जाता है 9999, मतलब कि 10,000 में आपको 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिल रहा है एक डिवाइस के अंदर। तो अभी ये सब हो गया फीचर्स के बारे में। देन अब मैं आपको बात करता हूँ फाइनल मेरी हॉनेस्ट ओपिनियन के बारे में। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँ एक कैमरा के बारे में, अगर आप स्मार्टफोन ले रहे हो या फिर गेमिंग के लिए ले रहे हो तो मैं बिल्कुल भी इसको रेकमेंड नहीं करता हूँ बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे कि मोटोरोला का G8 पावर लाइट हो गया जहाँ पर पंच होल कैमरा मिलता है, 720p वाला डिस्प्ले मिलता है, हार्डवेयर भी सेम ही मिलता है। और देन आपको रियलमी नार्जो 10A मिलता है जहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है, अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस मिलती है कैमरे में। वही अगर हम बात करें रेडमी 9 के बारे में, तो इस स्मार्टफोन को लेने की एक ही बड़ी वजह रहेगी उसका आपको जो डिसेंट परफॉर्मेंस वाला हार्डवेयर आपको एक एक्स्ट्रा इंक्लूडेड पॉइंट हो गया। देन इसका बैटरी होगा जो कि बहुत ही मैसिव बैटरी है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड जो है इसी बैटरी को यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। देन फाइनली बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा है, वो रहता है 10,000 में 4GB और 128GB का ऑप्शन, बिकॉज नॉर्मली अगर आप देखोगे तो 13,000 के आसपास आपको 128GB का वेरियंट मिलता है, 6GB 128GB का, लेकिन यहाँ पर रैम थोड़ा कम है तो चल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए स्मार्टफोन रेकमेंड करना चाहते हो तो ऑब्वियसली ले सकते हो बिकॉज इसमें डिसेंट कैमरा परफॉर्मेंस, डिसेंट आपको गेमिंग वगैरह हो सकती है। देन आपको एक अच्छा खासा डिस्प्ले मिल रहा है डॉट नॉच वाला 720p वाला, देन बैटरी भी बहुत ही मैसिव मिल रही है और देन मेमोरी भी ज़्यादा मिल रही है, तो मेमोरी का भी आपको कोई भी टेंशन वगैरह नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप एक गेमिंग करना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ बिकॉज ये गेमिंग के लिए नहीं है स्मार्टफोन। रैम जितना रोम मैटर करता है उतना ही रैम मैटर करता है, और आने वाले समय में हो सकता है कि वो आपको जो गेमिंग में लैगिनेस देखने मिले, फ्रेम ड्रॉप देखने मिले, तो बेटर आप जो है इसको ड्रॉप कर सकते हो गेमिंग के लिए।
लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हो तो Realme 7 सीरीज का वेट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइस, अगर आपको कुछ भी सवाल है, सजेशन है, कुछ भी डाउट है तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन या फिर आप मुझे पर्सनली आकर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने यहाँ पर ऊपर या फिर कहीं पर तो यहाँ पर छोड़ दिया होगा, तो आप देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो अगर आपको पसंद आता है अपना इंस्टाग्राम पेज। सो रीजन बिहाइंड इंस्टाग्राम पर आपको डाइवर्ट करने के लिए, बिकॉज यूट्यूब पे वीडियो एडिट करके अपलोड करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, इवन यहाँ पर इंटरनेट जो है बहुत ही स्लो है, वीक है तो मेरे एरिया में। सो इसलिए मुझे बहुत ही लेट हो जाता है वीडियो पब्लिश करते करते। सो इसलिए मैं इंस्टाग्राम पर इमीडिएटली स्टोरीज के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जो भी सेल्स चल रहे हैं, देन सो जो भी स्मार्टफोन के लॉन्चेस हो रहे हैं, प्राइसिंग हो रही है, वो सब कुछ वहाँ पर लीक्स वगैरह आपको शेयर कर देता हूँ। सो मेक श्योर यू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम इफ यू हैवंट डिड। सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके जरूर से जाइएगा, देन चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सो मैं मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।